रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हाट डज दिस चैप्टर बेसिकली मींस। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड जनरली पीपल फीलिंग लाइक ये चैप्टर मुश्किल है, बट ये मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है। लेट अस सी हाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वी नो दैट हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक होती है जो किसके पास, जो कौन बनाता है, जनरली कस्टमर या क्लाइंट। इसी तरह जैसे आप कैश बुक आप बनाते हो तो बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो बैंक आप बैंक के पास आपकी क्या होती है, पासबुक। कैश बुक इज विद द कस्टमर, पासबुक इज विद द बैंक। लेकिन बैंक हमें ये पासबुक की कॉपी देता है, ये कॉपी भी देता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे बैंक में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन वगैरह हुई है। तो बैंक हमें इसकी कॉपी प्रोवाइड करता है और जब टाइमली बेसिस पे जाके हम बैंक में जाके उसको अपडेट करवा सकते हैं, और आजकल तो एटीएम से भी अपडेट हो जाती है। तो जनरली पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास पासबुक होती है, मैं कहता हूँ कि ये पासबुक सेल कर दो, तो उसमें मैं ये देख सकता हूँ कि सारी ट्रांजेक्शन जो मेरे अकाउंट में हुई हो, इतना अमाउंट डेबिट हुआ है, इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वो सारा पासबुक में से आएगा। तो पासबुक में कौन सी एंट्रीज होंगी, बैंक। अब कैश बुक में आपको पता है आपकी दो एंट्रीज होती थी, दो कॉलम होते थे, एक होता था कैश और दूसरा होता था बैंक। तो ये वही बैंक कॉलम है जो बैंक में ट्रांजेक्शन डालते थे। तो कैश बुक इज मेंटेन विद कस्टमर एंड पासबुक इज मेंटेन विद बैंक, बट बैंक हमें उसकी एक कॉपी दे देता है पासबुक की ताकि हम उसे मैच कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमने कैश बुक डिस्कस की थी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई चेक डाला बैंक में लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया और मुझे पता नहीं लगा। लेट से मैंने चेक डाला, मुझे लगा क्लियर हो गया, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ। और कई बार बैंक का होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बैंक कहता है कि इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में, कभी बैंक क्रेडिट भी कर देता है और कभी बैंक डेबिट भी कर देता है। मतलब अब मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, लेट से 50,000 रुपीज पड़े हुए हैं, अब बैंक मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है। मैं तो जनरली कैलकुलेट नहीं करता कि 50,000 पे कितना निकलेगा, तो बैंक क्या करता है, 3 महीने के बाद मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया 600 रुपए का या 400 रुपए का। अब वो बैंक में ऐड हो गया लेकिन मुझे पता नहीं लगा मेरी कैश बुक में, क्योंकि बैंक जनरली ऐसी ट्रांजेक्शन करता रहता है। कई बार बैंक ये ट्रांजेक्शन काट देते हैं कि 15 रुपए हमने काट लिया आपके अकाउंट से फॉर SMS सर्विसेज और एनी अदर सर्विसेज, 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए। ये कुछ छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी होती है जो कई बार हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस लेकर आ जाती है। इसीलिए अब मान लीजिए मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, और वहां से मान लीजिए कहीं से मेरी एग्जामिनेशन फीस आई, मैंने 2 साल पहले चेक की थी, वो पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने 1,000 रुपए कौन से आए, मेरे को पता लगा, तो मैंने पासबुक फिर कराई, मुझे पता लगा मैंने पेपर चेक किए थे। तो कई बार क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक में कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो हमारी कैश बुक और पासबुक के बीच में दोनों में डिफरेंस लेकर आ सकती है। जैसे भाई जब मैं कैश बुक मेंटेन करता था तो वहां पर मैं एक कैश कॉलम बनाता था और एक बैंक कॉलम बनाता था, तो हम जनरली अज्यूम करते हैं ये वाला बैंक कॉलम जो पासबुक का बैंक कॉलम है उससे मैच करना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं या कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो इनके बीच में डिफरेंस लेकर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी फी डायरेक्टली बैंक में डलवा दी और मुझे नहीं बताया और मुझे नहीं पता लगा लेट से, तो उसके कारण भी मेरा बैंक अकाउंट में डिफरेंस आ रहा होगा। लेट से मेरे हिसाब से 50,000 बैलेंस है लेकिन पासबुक में शो हो रहा है 55,000, मैं कह रहा हूँ 5,000 की ट्रांजेक्शन कहां से आई, तो ये 5,000 की ट्रांजेक्शन कहां से आई, लेट्स से आपने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया, तो ये हमारा किसका अकाउंट होता है, पासबुक का। तो देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन जो हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस लेकर आ सकती है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स कैश बुक और पासबुक दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमें उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और उन आइडेंटिफाई को करने, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उससे मैच करना है। तो इसीलिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, हम मेंटेन करते हैं कैश बुक, बैंक बनाता है पासबुक, बैंक के पास पासबुक होती है, बैंक उसमें अपनी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो आपके अकाउंट में हुई होंगी। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो हमने कैश बुक में डाल दी लेकिन बैंक में नहीं डाली। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो कैश बुक में नहीं है लेकिन बैंक में है, मान लो इंटरेस्ट दिया बैंक ने, अब 400 रुपए का इंटरेस्ट आया, मुझे तो नहीं पता लगा लेकिन बैंक ने प्लस कर दिया, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शंस जिसके बिहार पर हमारी कैश बुक और पासबुक में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिफरेंस किस चीज का है। तो इसके लिए अब मैं आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अब मैं बैंक के पास गया पासबुक लेके, मैं गया अपनी कैश बुक लेके, मैंने कहा बैंक मेरे अकाउंट में तो 50,000 दिखा रहा है कैश बुक में और आपने तो 55,000 दिखा रहे, 5,000 का डिफरेंस क्या है। अब बैंक कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक कस्टमर को बुला के उनकी कैश बुक और पासबुक को मैच करें। तो बैंक क्या कहता है कि पासबुक की मैं एक कॉपी दे देता हूँ, आप कभी भी बैंक आए पासबुक लेकर आइए, हम उसको फिल करके आपके पास दे देंगे, आप अपने घर जाके मेंटेन कीजिए कि आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो बैंक हमें पासबुक की कॉपी देता है जिसके कारण हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है और एक्चुअल जो बैंक बैलेंस है उसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, और डिफरेंस है तो क्यों है। तो बेसिकली जब मैं इसको रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, आई एम मैचिंग आउट, मैं मैच कर रहा हूँ, रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो जो रिकंसाइल करने का मतलब क्या होता है, टू मैच। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैश बुक का बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश बुक में दो बैलेंस होते थे कैश और बैंक, कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक, पासबुक मतलब मेरा एक्चुअल बैंक बैलेंस है उसमें, इन दोनों बैंक के ट्रांजेक्शन को मैं मैच करूंगा और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस मैं रेक्टिफाई करूंगा। तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मुझे बनानी पड़ेगी, बैंक नहीं बनाएगा। तो कई बार वन मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, हु प्रिपेयर्स बीआरएस, बीआरएस कौन बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। तो बैंक रिकंसिलिएशन कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है, क्यों, क्योंकि बैंक कहता है हमने पासबुक की कॉपी दे दी, आप उसको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिए और जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं आप उसको मैच कीजिए। तो ये होता है बेसिक ड्राफ्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक एंड पासबुक। तो लेट अस अज्यूम, अब एक चीज आप याद रखिएगा, कैश बुक ये सबसे मेन पोर्शन, कैश बुक में यू नो दैट हम कैश बुक जब ऐसे बनाते थे यहां पर हम कैश बैंक लिखते थे, यहां पर डेट और क्रेडिट साइड होती थी, हम यहां पर लिखते थे टू बैलेंस बीडी, डेबिट में लिखते थे और हम डेबिट साइड को क्या बोलते थे, प्लस बैलेंस, डेबिट बैलेंस को हम क्या बोलते थे, प्लस बैलेंस बोलते थे। तो कैश बुक का कभी भी डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में लिखा होगा, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लिखा होगा द कैश बुक शो डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव बैलेंस शो कर रही है कैश बुक। और कभी इसमें लिखा होगा जैसे आप यहां पर लिखते थे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे लिखते थे ना बाय बैलेंस बीडी, जब क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा होता था तो आप बैंक का बैलेंस इस तरफ लिख के दिखाते थे। तो ये कैश बुक का बैलेंस शो कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये कैश बुक में बैंक का बैलेंस शो कर रहा है, कैश बुक में बैंक का बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो पॉजिटिव साइड होगी, अगर वो नेगेटिव मतलब क्रेडिट दिखा रहा होगा जैसे ओवरड्राफ्ट होगा, तो कैश बुक अगर क्रेडिट दिखा रही होगी तो इसका मतलब इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब मैं अनस्पेल रिपीटिंग, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि कैश कभी क्रेडिट थोड़ी ना होता है, कैश कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि कैश बुक में हम कौन से कॉलम के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, बैंक के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, ना कि कैश के हिसाब से, कैश के हिसाब से हम एंट्री नहीं कर रहे, हम कैश बुक का बैंक कॉलम मैच कर रहे हैं। अगर मैं बैंक कॉलम मैच करूंगा तो आपको पता है बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी आता था और ओवरड्राफ्ट के केस में नेगेटिव भी आता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर बैंक का बैलेंस डेबिट दिया होगा तो प्लस होगा, हाँ, और कैश बुक में क्रेडिट का बैलेंस दिया हो तो माइनस होगा। तो ये बड़ा मेजर फंडा है इसके अंदर। अगर वहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन है द कैश बुक शोड क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब वो बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपको माइनस में लिखेंगे पहली चीज। दूसरी चीज, एक लाइन लिखी आप मेरे साथ साथ,
क्योंकि विंग क्वेश्चन आप करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज देखिए, लिखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन में हमें लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर बनाते हैं। तो इसका मतलब किसका बैलेंस दिया हुआ है? कस्टमर का। मैंने आपको बताया आप कैश बुक को किससे मैच करते हो? पासबुक से। लेकिन मेरा बैलेंस दिया हुआ कस्टमर का, कस्टमर किससे मैच कर रहा है? बैंक से। मैं अपनी कैश बुक को बैंक से मैच कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो बैंक ने किया होगा, जैसा बैंक ने किया होगा, मुझे भी वैसा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर बैंक ने प्लस किया होगा तो मैं भी प्लस करूंगा, बैंक ने माइनस किया होगा तो मैं भी माइनस करूंगा, तभी तो मैच होगा। मैं आप बैंक हूं और मैं कस्टमर हूं, मैं आपसे मैच कर रहा हूं, आप मुझसे नहीं मैच कर रहे, मैं आपसे मैच कर रहा हूं। अगर आपने प्लस किया होगा तो मैं भी प्लस करूंगा, अगर आपने माइनस किया होगा तो मैं भी माइनस करूंगा, तभी हम लोगों का आंसर क्या आएगा? सेम। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वी हैव टू डू, सिंपल लाइन में लिखा रहा हूं, वी हैव टू डू वॉट बैंक डिड। अगर बैंक ने प्लस किया होगा तो हमें कस्टमर, मतलब हमें भी क्या करना पड़ेगा भैया इसमें? प्लस। अगर बैंक ने माइनस किया होगा तो हमें भी बीआरएस में क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये कब होगा? जब हमारा बैलेंस दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और कस्टमर मैच कर रहा होगा। तो ये हमारा मेजर फंडा होता है जिसके कारण हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? मान लो कोई एंट्री ऐसे लिखी हुई है, बैंक ने एक एंट्री आई हुई है कि बैंक ने आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज क्रेडिट की है। तो क्रेडिट किया मतलब बैंक ने प्लस कर दिया, क्योंकि इसका एक फंडा हो रहा था। मैंने बोला कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो प्लस होगा। अब सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे लिए प्लस होगा तो बैंक के लिए माइनस होगा, बैंक ने क्योंकि मेरा पैसा देना है। तो आप एक चीज मेजर याद रखना है इसके अंदर, कभी भी ये लिखा होगा बैंक ने डेबिट किया है, बैंक ने डेबिट किया है, तो डेबिट किया होगा इसका मतलब बैंक ने माइनस किया होगा। और अगर ये लिखा होगा बैंक ने क्रेडिट किया है, ताकि आपको समझाता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक नॉट मी, तो बैंक ने प्लस किया है। अब इसका टेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर आपने कभी देखा होगा, चाहे आप पेटीएम यूज करते हैं, चाहे आप बैंक अकाउंट यूज करते हैं, आपने किसी को पेमेंट की तो लिखा आता है ₹50 हैज बीन डेबिटेड, डेबिटेड मतलब आपके अकाउंट से काट ली, तो डेबिट होगा तो माइनस। आप चाहे पेटीएम या बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये चीज होती है। दूसरा लिखा होता है जब आपके अकाउंट में पैसे आए, जैसे कई बार आप कहते हो कि पेटीएम ने आपको ₹25 का कैशबैक दिया, तो वहां लिखा होता है ₹25 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर वैलेट, तो क्रेडिट करा होगा तो प्लस किया होगा, क्योंकि जब सामने वाली पार्टी क्रेडिट कर रही है तो प्लस होगा। और अगर सामने वाली पार्टी ने डेबिट कर लिया, डेबिट मतलब आपके अकाउंट से निकाल दिया, तो डेबिट होगा तो माइनस होगा। लेकिन कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक हमारी है, तो मैं तो मेरे लिए तो कैश बुक कैसे है ना, तो मेरे लिए तो डेबिट होगा, लेकिन हम दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये उल्टा होगा। क्रेडिट मींस हमारे अकाउंट में पैसा आया, और बैंक कभी भी डेबिट करेगा तो हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा। तो ये होता है पासबुक का फंडा और कैश बुक का की। और इसका सबसे पहला केस होता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक। एक और चीज, बुक्स में हमें ये चार पॉइंट दिए हुए हैं कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो अलग अलग केस होगा, क्रेडिट होगा तो अलग केस होगा। हम इसको दो ही केस में डिवाइड करेंगे क्योंकि वो हमारे आंसर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो लेट अस विल डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन राइट नाउ, लेट्स सी। Let me show you the format. You'll be preparing like this. इसमें date का column नहीं होता, किसी चीज का column नहीं होता। हम ऊपर लिखेंगे bank reconciliation statement as on जो भी हमें date दी होगी। आप नीचे भी line में फोटो जाइए, बताइए question कितना बड़ा होगा। यहां पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इसका फॉर्मेट थोड़ा सिंपल सा होता है। यहां पर हम लिखेंगे प्लस अमाउंट, प्लस मतलब जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो, एंड माइनस अमाउंट,
या कुछ लोग प्लस माइनस का साइन बना देते हैं, वो भी चलेगा। और ये रुपीज में होगा और ये भी रुपीज में होगा, फॉर्मेट यही होता था दूसरा, ना कोई डेट ना कुछ, सिंपल ये फॉर्मेट होता है। दिस इज द फॉर्मेट। आप बुक्स में कई बार अलग फॉर्मेट भी दिया होता है जिसके अंदर वो प्लस माइनस करता है, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट यू कैन रिमेंबर, सिंपल एंड बेस्ट, दोनों फॉर्मेट सही है। आई थिंक दिस वुड बी द मच बेटर वन। यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू आएंगी सारी जो हमें प्लस करनी, और यहाँ माइनस वाली वैल्यू आएंगी। ये फॉर्मेट एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर आप इसको कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब मैंने आपको बोला था हम कैश बुक में बैंक कॉलम की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000 ऑन 30th जून 2017। तो एज ऑन 30th जून 2017 डेट दी हुई है हमें। बैंक कॉलम शोड अ डेबिट बैलेंस, कैश बुक में डेबिट बैलेंस, अभी आपको बताया था अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है तो प्लस बैलेंस होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है, ये लिखना जरूर आप ताकि आपको याद रहे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो बैलेंस एज पर कैश बुक, और ब्रैकेट में डेबिट कर सकते हो, वरना आप यहीं पर भी लिख सकते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी सही है, दोनों तरीकों से सही है। हमें डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, तो वो कितना दिया हुआ है 49,000, तो डेबिट मीन्स प्लस बैलेंस दिया हुआ है। यहां पर हमने लाइन इसलिए कीजिए क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 49,000। सेकेंड, अब देखिए, अब मेरे साथ चलते रहिए, उसमें सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने आपको बोला था अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसका मतलब अब हम किससे मैच कर रहे हैं, कैश बुक मतलब कस्टमर मैच कर रहा है बैंक से, कस्टमर का बैलेंस आ रहा है 49,000। और आप क्वेश्चन में चेक कीजिए और पासबुक का बैलेंस दे रखा है 37,400, इसका मतलब 49,000 और 37,400, इसका मतलब हमारी इस वाली ट्रांजेक्शन में या हम दोनों की बुक्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है 11,600 का, क्योंकि मेरे हिसाब से बैलेंस मेरी पासबुक में मेरे बैंक पर 49,000 का पड़ा है, लेकिन बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में तो 37,400 का बैलेंस पड़ा है। क्यों, आप देखते हैं क्यों पड़ा है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, चेक ऑफ श्याम एंड ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30th जून 2017। इसका मतलब मैंने एक श्याम का और मोहन का चेक डाला था, मतलब मैंने ऐड किया था, मैंने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया क्योंकि मैंने बैंक में डाल दिया, लेकिन 30 जून तक वो चेक कलेक्ट नहीं हुए। कलेक्ट क्यों नहीं हुए, हो सकता है आपने 29 तारीख को डाला हो, 28 तारीख को डाला हो, बीच में कोई छुट्टी आ गई हो, 2-3 दिन लगते हैं चेक को क्लियर होने में, तो इसलिए अभी तक वो बैंक ने अमाउंट प्लस नहीं किया। अब इसमें हुआ क्या, अगर आपने चेक डाले तो आपने कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक ये चेक कलेक्ट नहीं किए, कलेक्ट नहीं किए मतलब बैंक ने अभी तक ये अमाउंट उनके अकाउंट से निकाला नहीं, क्योंकि अभी तक बैंक ने पैसा कलेक्ट नहीं किया। इसमें हुआ क्या, आपने तो प्लस कर दिया लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो इसका मतलब अगर बैंक ने प्लस नहीं किया, मैं बैंक से मैच कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। भाई मैंने प्लस किया हुआ, बैंक ने प्लस नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैंने ये बोला कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा, जैसा बैंक ने किया होगा वैसा मैं करूंगा, अगर बैंक ने प्लस नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं क्या लिखूंगा, आप ऐसे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट तो करवाए बट अभी तक उनके अकाउंट से पैसा आया नहीं, कलेक्ट नहीं हुए, दोनों का मिला के लिख देंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, 9,000 और 15,000, तो टोटल 24,000 मुझे माइनस करने, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो मैंने माइनस के कॉलम में लिख दिया। अब यहां पर माइनस का साइन बनाना, ब्रैकेट बनाना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर माइनस लिखा हुआ। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए, अब पहले पॉइंट समझिए, रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ रुपीज 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक,
मेरा एक डेटर था रमेश, उसने सीधा मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिया, मुझे बताया भी नहीं, मतलब मेरी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, वो सीधा बैंक में, उसको मेरा बैंक अकाउंट नंबर पता था, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो बैंक ने प्लस कर दिया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा आया, बैंक ने प्लस कर दिया। क्या मेरी कैश बुक में प्लस हुआ है? नहीं, लेकिन बैंक ने प्लस किया तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? प्लस, हम क्या लिखेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसमें आप रमेश का नाम डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख सकते हो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय डेटर बाय रमेश, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस वाले बैलेंस में क्या होगा, ये हमारा हो गया 8000, तो यहाँ पर हम 8000 प्लस मिल चुके। किसी को डाउट इन दोनों एंट्रीज में पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, किसी को भी डाउट रहते, क्योंकि जो बैंक कर रहा है मैं वो कर रहा हूं। बैंक ने ये दोनों चेक कलेक्ट नहीं करे थे लेकिन मैंने कैश बुक में प्लस कर दिए तो मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ये अमाउंट सीधा बैंक में किसी ने डाला तो बैंक ने प्लस कर दिया लेकिन मैंने कैश बुक में प्लस नहीं किया तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि मैं बैंक से मैच कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया हुआ देयर इज अ डिफरेंस अलाउड इंटरेस्ट और चार्ज। अलाउड मतलब बैंक ने हमें दिया, और चार्ज होता तो बैंक ने क्या करता है, हमसे बैंक लेता है तो माइनस करता है। अलाउड मतलब उसने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला, तो कितने का इंटरेस्ट डाला उसने? 500 रुपीज का। तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने प्लस किया होगा। कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया बैंक ने? 500 रुपए का, तो मुझे भी प्लस करना पड़ेगा। अगर यहां लिखा तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज इंटरेस्ट बैंक ने माइनस किया तो मुझे भी माइनस करना पड़ता है क्योंकि बैंक ने माइनस किया। चेक ऑफ रुपीज 10,000, अब यहां देखिए बड़ी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेक ऑफ रुपीज 10,000 इशू टू राधेश्याम वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने राधेश्याम को एक 10,000 का चेक दिया था, याद है जब कैश बुक बनाते थे हम लिखते थे पेमेंट मेड बाय चेक, तो हम सीधा लिखते थे बाय राधेश्याम और बैंक में से माइनस कर देते थे। मैंने राधेश्याम को एक चेक दिया तो मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया बैंक कॉलम से, लेकिन लेट से राधेश्याम ने अभी तक वो चेक बैंक में डाला ही नहीं। अगर बैंक में राधेश्याम ने चेक डाला ही नहीं तो इसका मतलब मेरा बैंक अकाउंट माइनस नहीं हुआ, जबकि मैंने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया था बाय राधेश्याम और बैंक में से माइनस करके दिखा दिए थे। लेकिन 30 जून तक राधेश्याम ने चेक बैंक में डाला ही नहीं, और मैं BRS कब बना रहा हूं? 30 जून को बना रहा हूं। तो इसका अब आप कहोगे वो आगे डालेगा तो फिर मैं जुलाई में रेक्टिफाई करूंगा, लेकिन जून तक उसने चेक नहीं डाला जबकि मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया था, लेकिन राधेश्याम ने वो चेक नहीं डाला तो बैंक ने अभी तक माइनस नहीं किया, तो इसीलिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कर दिया था लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे चेक इशूड बट Not presented for payment. Payment के लिए present नहीं हुआ। कितने का amount दिया हुआ है यहाँ और इसके अंदर? That is rupees 10,000. तो मैं plus कर दूंगा क्योंकि पहले मैंने इसको minus कर दिया था। Last two points, मैंने आपको भी question जब start करने से पहले ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि bank कभी भी debit करेगा, तो मैंने आपको बताया था जब भी बैंक डेबिट करेगा तो मतलब बैंक माइनस करता है। अभी ऊपर भी आपने पढ़ा इंटरेस्ट अलाउड, तो इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक ने, तो क्रेडिट करता है बैंक तो प्लस करेगा, डेबिट करेगा तो बैंक क्या करता है मतलब माइनस। ये हमारा बैंक नहीं, ये हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब ये बैंक अपनी तरफ से कर रहा है हमारे अकाउंट। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है? कई बार जैसे आप लोग आईफोन या कोई मोबाइल कोई भी एक्सपेंसिव चीज लेते हो और आप बजाज फाइनेंस या बैंक से इंस्टॉलमेंट बना लेते हो, उसका मतलब क्या होता है? हर महीने आपके अकाउंट से 3,000 रुपए कट जाएंगे। तो ये होता है एक तरह से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि आप उस पर नोटिफाई करते हो कि हर महीने आप मेरे अकाउंट से 3,000 रुपए डिडक्ट कर सकते हो। सिमिलरली बैंक ने 6,000 रुपए का प्रीमियम पे किया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने एक अकाउंट मैंने अपना फॉर्म में डाला हुआ है कि इंश्योरेंस वालों को अगर पैसा चाहिए तो वो मेरे अकाउंट से निकलवा सकते हैं और मैंने बैंक को अलाउ किया हुआ है। तो इसका मतलब
जब डेट आई तो बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के दे दिया, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया लेट से, तो मैंने वो एंट्री कैश बुक में करना भूल गया। लेकिन बैंक कभी भी डेबिट करता है, मैंने आपको बताया था बैंक क्या करता है, माइनस, लेकिन मैंने माइनस नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। थोड़ी सी लाइन आगे पीछे कर सकते हो इसमें, क्योंकि रिटर्न लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता, मेन है इसके ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, 6,000 रुपए का बैंक ने डेबिट किया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, -6,000। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, फिर इसका आंसर मैच हो जाएगा हमारा। बैंक डेबिटेड, अभी दोबारा लिखा, बैंक ने डेबिट किया 100 रुपीज बीइंग बैंक चार्जेस, तो बैंक, मैंने अभी बोला था अगर बैंक चार्ज करेगा तो बैंक माइनस करेगा, तो आप सिंपल लिख दीजिए बैंक चार्जेस, बैंक ने माइनस किया तो मुझे भी माइनस करने पड़ेंगे 100 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट। सारी ट्रांजेक्शन अब हमारी इसके अंदर हो गई है, ऑल ट्रांजेक्शन आई हैव डन। अब इसके अंदर सबसे अच्छा पार्ट क्या है, हमारे को आंसर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा आंसर था 49,000, वो कहता है बैंक का आंसर आएगा 37,400, तो मतलब ये सारी प्लस माइनस करने के बाद मेरा आंसर कितना आना चाहिए, बैंक जितना आंसर आना चाहिए। अगर मेरा बैंक जितना आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। तो ये इस क्वेश्चन में हमें आंसर दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हमें आंसर दिया हुआ। इसको करते कैसे हैं, पर देखिए मैं थोड़ा टोटलिंग करूंगा तो मैं नीचे कर देता हूँ, ध्यान दीजिए टोटलिंग देखिए, मैं यहाँ पर टोटल लिखूंगा, टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, यहाँ पर टोटल कीजिए इसका 49,000 प्लस 8,000 57,000 67,500, तो मैं यहाँ लिखूंगा 67,500। हम पता है जब अकाउंट दोनों तरफ बनाते हैं तो हमारा सेम आता है 67,500। अब देखें हमारे यहाँ पर ये पॉजिटिव बैलेंस 67,500 का है और नेगेटिव बैलेंस में क्या है 24 + 6 = 30 + 100 = 30,100 हो गया, तो मैं इसमें से 30,100 माइनस कर देता हूँ, तो हमारा बैलेंस कितना आएगा 37,400। देखिए यही आंसर था 37,400, क्योंकि टोटल 67,500 पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव कितना है 30,100, मैंने बैलेंस निकाला तो 37,400 आ रहा है और वही बैंक का था, तो हम यहाँ पर लिखते कैसे हैं, हम ऐसे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां पर आ जाएगा 37,500 और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट क्यों, क्योंकि बैंक का क्रेडिट फॉलो क्या होता है प्लस, अभी देखिए दोनों तरफ 67,500 बन गया, तो ये वाला बैलेंस हमारा निकल गया क्योंकि हमारा आंसर दिया हुआ था। भाई सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद मैं कहता हूँ पासबुक का बैलेंस कितना दिख रहा है 37,500। ये होता है पूरा BRS का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा तरीका याद रखिएगा, बैंक प्लस, बैंक ने अगर प्लस किया है तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा, बैंक ने माइनस किया है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस में आपने प्लस कर दिया बैंक ने प्लस नहीं किया, तो मैं अगर बैंक से माइनस करना तो मुझे भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्लस किया बैंक ने प्लस नहीं किया तो मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस एज पर कैश बुक का। एक और चीज, जैसे मैं बोल रहा था कि बुक में चार कॉन्सेप्ट होते हैं, चार, 1, 2, 3, 4, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, वो बुक में चार है, मैं इसको दो पॉइंट से कराऊंगा, एक सिंपल कैश बुक और एक सिंपल पासबुक। अब डेबिट बैलेंस था तो मैंने पॉजिटिव में लिख दिया था, लेकिन अगर यही चीज नेगेटिव बैलेंस होता तो मैं क्रेडिट में लिख देता माइनस साइड पे, पूरे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे एंट्रीज होती वैसे होंगी, हाँ उसका बैलेंस इधर उधर आ सकता है, अदरवाइज जो ट्रीटमेंट है एंट्रीज का वो ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज सेम है, अगर डेबिट में तो मैंने डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में होता तो क्रेडिट में। तो ये कॉन्सेप्ट है BRS का बैलेंस एज पर कैश बुक का। 400 आता है तो 400 है, बाकी आंसर सेम है, बाकी में कोई डाउट नहीं, ये सेम है 37,400। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरे पास ये पॉइंट्स लिखे हुए तो मैं इसको रख नहीं कर रहा, अदरवाइज आप ऊपर नीचे भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम ही होंगे। इसके क्वेश्चन आपको मैं रिपीट करके दिखा देता हूँ, ये रीड करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31 मार्च 2018 बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश शोड अ क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब बैंक का बैलेंस हमें क्रेडिट दिया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट शोड, बैंक की कौन सी स्टेटमेंट होती है? पासबुक, उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने आपको बताया पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस शो करता है और वो आपको शो करता है 15,650। वेयर एज कैश बुक शोड, कैश बुक मतलब हमारी, डेबिट बैलेंस ऑफ 15,200। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, ये 15,200 दिया हुआ है और हम कौन सी डेट में मैच कर रहे हैं? 31 मार्च 2018। मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है और पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है। तो हमारा ये बैलेंस है, पासबुक का 15,650 बैलेंस है, तो हमें लास्ट में ये वाला बैलेंस निकाल के दिखाना है 15,650। तो लेट मी टेक नाउ वन बाय वन आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा। लेट अस टेक अ लाइक अ क्लास नाउ विच इज वेरी इंटरेक्टिव। On 31st March 2018, bank statement of Dinesh showed a credit balance of 15,650, whereas cash book showed a debit balance of 15,200. The reasons for the differences were, pehla point, check issued to Rohan, rupees 6,000, and to Daniel, rupees 3840, were not presented for payment. Maine ek रोहन को चेक दिया 6,000 रुपए का और एक डैनियल को चेक दिया 3860 का, तो टोटल हो गया 9860। मैंने किसी को दोनों किसी को चेक दिए थे 9,860 रुपए के पेमेंट के लिए, 9840 उन्होंने ये चेक डाले ही नहीं। क्या बोल रहे हो? 9840 40 है तो 9840 हो जाएगा। तो मैंने किसी को चेक इश्यू किए बट वो चेक उन्होंने बैंक में डाले ही नहीं, तो इसका मतलब मैंने तो माइनस कर दिया लेकिन बैंक में माइनस नहीं हुआ। तो मनन तुम ही बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए, प्लस होंगे माइनस होंगे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और 9840 प्लस हो जाएगा, 9840 प्लस हो जाएगा। मतलब मैंने नीचे लिखा है, आप लोग ऊपर लिख लेना कि मेरे पास ये रिटर्न था। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब मैंने किसी को चेक दिए तो मैंने माइनस कर दिए थे लेकिन उन्होंने चेक अभी तक बैंक में डाला ही नहीं, तो बैंक ने माइनस किया है? नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कर दिया तो 9840 मुझे प्लस करना पड़ेगा। लाइन के मैसेज लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आप इसको ऊपर लिख लेना क्योंकि ये लाइन वाइज है, मेरे पास लिखा हुआ था तो मैं उसी में एंट्री बुक कर रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस वाली साइड तो मैं प्लस ही करनी है वैसे भी। सेकेंड पॉइंट, बैंक चार्जेस रुपीज 350 फॉर बैंक चार्जेस, हाँ उत्कर्ष क्या आंसर आएगा? बैंक चार्ज अरे माइनस में आ जाएगा, ये बैंक चार्जेस सिंपल आ जाएगा, बैंक ने चार्जेस करे 350, तो इसका मतलब हमने माइनस नहीं किए लेकिन बैंक ने माइनस कर दिए तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड रुपीज 8160 इंटू बैंक अकाउंट ऑफ दिनेश विच इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, अंश क्या एंट्री होगी? नितेश ने हमारे अकाउंट में सीधा बैंक में डाल दिए पैसे, अंश अंश इज नॉट देयर, दर्शित क्या एंट्री होगी? नितेश में आ जाएगा अकाउंट अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8160 सीधा बैंक में अमाउंट डाल दिया, तो दैट इज व्हाट, क्योंकि वो प्लस हो गया बैंक ने प्लस किया तो हमें भी प्लस करना होगा। देन फर्क ये वाला पॉइंट बताओ, टू चेक्स वन फ्रॉम श्याम 5150 एंड अनदर फ्रॉम कैलाश 12,500 were collected by bank in the first week of April
मतलब हमने 31 मार्च 2018 को हम BRS बना रहे हैं, लेकिन बैंक ने कलेक्ट कब किए 2018 अप्रैल में करें, मार्च में नहीं करें, अप्रैल में करें। दे वर बैंक ऑन 25 मार्च 2018। मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने ये दो चेक 25 मार्च को डाल दिए थे, लेकिन ये बैंक ने मार्च में कलेक्ट नहीं करे चेक, बैंक ने अप्रैल में कलेक्ट किए हैं। मैं बना रहा हूँ मार्च में, मतलब मैंने तो अगर बैंक कर दिए तो 25 मार्च को, तो मतलब मैंने तो प्लस कर दिए 25 मार्च को, लेकिन जब मैं 31 मार्च को चेक कर रहा हूँ, क्या चेक ये प्लस हुए हैं? हाँ भाई, फर्क चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड अमाउंट 17,650, ये माइनस में, क्योंकि 25 तारीख को मैंने डाल दी तो मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया था, लेकिन जब 31 मार्च को BRS बना रहा हूँ, मैंने ये चेक तो आए नहीं, क्योंकि चेक तो बैंक ने अप्रैल में कलेक्ट किया है। अब आपको भी डिले करने के रीजंस क्या होते हैं, मेरा बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि मार्च में क्लोजिंग होती है, कई बार चेक आप गई दूसरी ब्रांच से कोऑर्डिनेट नहीं होगा, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो अभी हमें उस रीजंस में नहीं जाना, अगर बैंक ने प्लस नहीं किया तो मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट आपको बताया था, बैंक कभी भी क्रेडिट करता है तो बैंक प्लस करेगा, तो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो एक ही मतलब होता है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, एक ही मतलब होता है। तो ये हमें कितना दिया हुआ है जनरली 450, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 450। अब यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम वाली एंट्री नहीं थी, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखी हुई थी, मैंने इसको आप तो दोबारा लाएंगे, बस बोर्ड में मेरे पास ये लिखा हुआ था, तो आई हैव टेकन इट। बताइए टोटल कितना आ रहा है इसका, जरा इसको बताइए एंट्री का टोटल। सर ये इंटरेस्ट वाला बताना एक बार, ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब होता है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने प्लस किया होगा, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा प्लस। इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना सर? 33,650 प्लस वाले साइड 33,650। इसने मुझे बताया प्लस साइड का टोटल आ रहा है 33,650 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 18,000 है सर। 18,000। तो देखिए अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो साथ ही 15,650 और वही है 15,650। तो यहां पर भी मैं लिखूंगा 33,650 और मेरे पास पासबुक का कितना बैलेंस आ रहा है 15,650। तो मेरा आंसर मैच हो गया, तो दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग इट BRS। तो BRS करने का तरीका यही होता है, पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। आपने इसको लाइन वाइज लिखा होगा, मैंने मेरे पास बोर्ड पे पहले पॉइंट लिखे हुए थे, तो आई जस्ट पोस्टेड दी एंट्री, इसमें इंश्योरेंस का पॉइंट नहीं था तो मैंने वो रख कर, करने का तरीका यही है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि बैंक डेबिट करता है तो माइनस है, बैंक क्रेडिट करता है तो प्लस है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, कैशबुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है। यहां से अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो ये चैप्टर यही है, सिंपल सा चैप्टर है ये।